सभी रंगों का रास है होली, मनों का उल्लास है होली, खुशियां भर देती है जिंदगी में, तभी तो इतनी खास है होली। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन उत्तराखंड, मैं आपके साथ हिमानी बिस्ट। आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ होली पर्व पर आयोजित हमारी आज की काव्य गोष्ठी में। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे भारत में होली पर्व का बहुत ही धूमधाम से आयोजन किया जाता है। लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सावधानी भी है जो हमें होली पर्व पर बरतनी आवश्यक है। जैसे कि हमें ऐसे रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो मानव शरीर व आंखों के लिए नुकसानदायक हो। तो दर्शकों, आपका समय ना गवाकर मैं अब आपका परिचय हमारे आज के मेहमान जो कि एक उम्दा कलाकार व कलमकार है उनसे कराने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है खुशबू गैरोला। तो खुशबू, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। खुशबू गैरोला के विषय में यदि मैं बताऊं तो ये बहुत ही खूबसूरत रचनाएं करती है जिनकी अधिकतर रचनाएं सामाजिक मुद्दों पर आधारित रहती है व नारी सशक्तिकरण पर भी ये कविताएं लिखती है। इसी क्रम में हमारे दूसरे जो मेहमान है निमेश कंडारी, इनकी उम्र काफ़ी छोटी है लेकिन रचनाएँ इनकी बहुत ही अच्छी रहती है जो अक्सर लोगों को प्रभावित करती है। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद है सिमरन दिवाकर, यह भी सामाजिक मुद्दों पर अपनी कविताएं लिखती है। अब आपका परिचय मैं कराना चाहूंगी सोमेश बहुगुणा से जो कि युवा साहित्यकार है व कई राष्ट्रीय व बड़े मंचों पर ये अपना काव्य पाठ कर चुके हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ मैं आज के कार्यक्रम में। बहुत शुक्रिया। तो चलिए आज के काव्य की शुरुआत करते हैं और मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी अपने काव्य पाठ के लिए मैं खुशबू गैरोला को। बहुत शुक्रिया हिमानी जी। तो चलिए दोस्तों, चार पंक्तियों के साथ शुरुआत करती हूँ, जुड़िएगा। कि खुशियाँ हैं तो चेहरे पे तेरे भी नूर झलकेगा। क्या बात। कि खुशियाँ हैं तो चेहरे पे तेरे भी नूर झलकेगा, कि जब रंगों से रिश्तों में तेरे भी प्रेम छलकेगा। वाह, बहुत बढ़िया। कहूँ फिर लाल पीले या हरे गुलाल की भाषा, कहूँ फिर लाल पीले या हरे गुलाल की भाषा, ये होली ही तो है असली में हिंदुस्तान की भाषा। बहुत बढ़िया। होली ही तो है असली में हिंदुस्तान की भाषा। बहुत अच्छा। अच्छा, होली पे आज ये बहुत ही प्यारा कवि सम्मेलन आयोजित हुआ है, तो मेरे काव्य पाठ का आरंभ मैं पहले अपनी एक होलिका, जो होलिका पे कविता है मेरी, उससे करूंगी। होलिका दहन पे जो कविता लिखी है उसके बाद रंगों की खूबसूरती पे आएंगे, क्योंकि होली पे रंगों का जिक्र तो होना जरूरी है। तो आप सुनिएगा, जुड़िएगा। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद से जुड़ी ये होलिका दहन की चिंगारी है, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद से जुड़ी ये होलिका दहन की चिंगारी है, ये भक्ति की शक्ति की कहानी दोस्तों सारी है। राजा संग देव बनने की ख्वाहिश उसमें जागी थी, राजा संग देव बनने की ख्वाहिश उसमें जागी थी, बहन होलिका भस्म हो गई जो बुरे में भागी थी। वो प्रजा से चाहता उसको पूजे, वो प्रजा से चाहता उसको पूजे, करता वही जो उसको सूझे, कड़ी तपस्या कड़ी सी जान, मिला ब्रह्मा से जो वरदान, ना मर सकता दिन ना रात ये कैसी अजीब सी बात, ना मर सकता दिन ना रात ये कैसी अजीब सी बात, मरने की जगह ही खास, ना धरती ना आकाश, ना धरती ना आकाश, पाकर ये वरदान वो सोचा, मैं हूं शक्तिशाली ऊर्जा, इसलिए चाहता उसको पूजे, करता वही जो उसको सोचे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पर फिर आया उसका वंश, ना था बुराई का कोई भी अंश, फिर आया उसका वंश, ना था बुराई का कोई भी अंश, विष्णु भक्ति में लीन रहे, विष्णु भक्ति में लीन रहे, प्रहलाद या विष्णु भक्त कहे, हिरण्यकश्यप था आग बबूला, हिरण्यकश्यप था आग बबूला, कैसा पुत्र है भाग्य में झूला, मुझको नहीं मानता देव, नहीं छोड़ूंगा यही कबूला, नहीं छोड़ूंगा यही कबूला। बहुत बढ़िया। खुद के पुत्र से प्रेम नहीं था, खुद के पुत्र से प्रेम नहीं था, अहंकार में डूबा राजा वही था, त्यागा पुत्र प्रेम और सोचा, त्यागा पुत्र प्रेम और सोचा, मार डालने का षड्यंत्र जो सूझा, बहन होलिका आई, बहन होलिका आई मदद को, साजिश अच्छी गहरी थी, होलिका पे थी शॉल जादुई, अग्नि से बच सकती थी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। होलिका और प्रहलाद को देख हिरण्यकश्यप मुस्काया था, होलिका और प्रहलाद को देख हिरण्यकश्यप मुस्काया था, पर भगवान की लीला ने सबका दिमाग चकराया था। क्या
सबका दिमाग चकराया था। होलिका बैठी प्रहलाद को लेकर, होलिका बैठी प्रहलाद को लेकर अग्नि फिर मुस्काई थी। प्रहलाद बाहर निकल आया, होलिका अग्नि ने जलाई थी, होलिका अग्नि ने जलाई थी। उस पावन मुहूर्त में असल खुशी सभी ने मनाई थी, क्योंकि बुराई कितनी भी शक्तिशाली पर अच्छाई जीत के आई थी, पर अच्छाई जीत के आई थी। बहुत बढ़िया। हवा ने चादर से जैसे प्रहलाद का जीवन बचाया था, हम भी कहें कि हे भगवान, तूने अच्छाई को जिताया था। तो यारो तुम भी जब अच्छाई का साथ निभाओगे, यकीन मानो देर से ही सही, पर तुम ही जीत कर आओगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ से तो शुरुआत हो गई, अब जब होली की बात हो रही है तो रंगों की कैसे बात ना हो। तो कुछ पंक्तियां यूं ही रंगों पे लिखी है, उसकी खूबसूरती पे लिखी है। स्वागत। प्यार का औधा सबसे ऊंचा तब भी था और आज भी है, प्यार का औधा सबसे ऊंचा तब भी था और आज भी है, राधा कृष्ण की होली के रंगों में रंगा ये समाज भी है, इसलिए मिलकर होली के रंगों से खेला जाता है, दुश्मन को भी गले लगाकर रंग लगाया जाता है, चेहरे रंगों से खिलते हैं, पिचकारी ही पानी डाले हैं, चेहरे रंगों से खिलते हैं, पिचकारी ही पानी डाले हैं, हमने भी खुश होकर प्यार के रंग हवा में उछाले हैं। क्या बात है, हमने भी खुश होकर हवा में रंग उछाले हैं। अब होली में कैसे रिश्तों की डोर मजबूत करेंगे हम लोग, उससे वो कहती है मेरी अगली पंक्तियां कि भूलकर गिले शिकवे दोस्त के घर जाएंगे, भूलकर गिले शिकवे दोस्त के घर जाएंगे, रंगों की खूबसूरती से इस बार रिश्तों को सजाएंगे। बहुत सुंदर। अरे जीवन जीने के लिए ही तो दोस्तों की ये टोली है, जीवन जीने के लिए ही तो दोस्तों की ये टोली है, कहना बिछड़े दोस्त से कि यार बुरा ना मान ये होली है। बहुत सुंदर। तो लगन से सारे रिश्तों की कड़ी हम मिलाएंगे, प्यार के इस महोत्सव में जो रंग में रंग मिलाएंगे, कहो फिर होली या इसको केवल प्यार की भाषा, क्योंकि ये होली ही तो है असली में हिंदुस्तान की भाषा। बहुत शुक्रिया। जितनी खूबसूरत आप है उतनी खूबसूरत आपकी रचनाएं होती है, तो बहुत सुंदर आपका काव्य पाठ रहा है। तो अब मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी निमेश कंडारी को। शुक्रिया हिमानी दीदी। नमस्कार, मैं पहाड़ी लड़का और निमेश दी कलमकार मेरा नाम है, मैं पहाड़ी लड़का और निमेश दी कलमकार मेरा नाम है, कलम मेरी ताकत शब्द मेरी पहचान है, जी हाँ जनाब दिखता हूँ जैसे कोई पीर फकीर, और निराकार में मानने वाला मैं हूँ कलयुग का कबीर, मैं हूँ कलयुग का कबीर। बहुत सुंदर। तो आप सभी को होली की अनंत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। ज़्यादातर मैं लिखता हूँ प्रेम को, मोहब्बत को, तो चार पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ। ऐ सखी तू मेरा पहला पहला प्यार है, ऐ सखी तू मेरा पहला पहला प्यार है, मेरी पतझड़ सी जिंदगी में तू सावन की बौछार है, और तेरे आने से फैला है चारों ओर रंग कुछ इस कदर, तेरे आने से फैला है चारों ओर रंग कुछ इस कदर, मानो जैसे तू ही मेरा होली का त्यौहार है, मानो जैसे तू ही मेरा होली का त्यौहार है। तो होली का काव्य सम्मेलन हो और उसमें जोगिरा ना हो तो मजा नहीं आता है, तो जोगिरा लेकर आया हूँ। काव्य गणों से मेरी अनुरोध है कि मेरा साथ दे, कि जोगीरा सारा रा रा रा, 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 फूल अबीरा पिचकारी और लाल गुलाबी रंग, फूल अबीरा पिचकारी और लाल गुलाबी रंग, एक दूजे को सब रंगते मैं रंग गया तेरे रंग, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, तेरे संग में मैं भी झूमूं खाके की गोली, तेरे संग में मैं भी झूमूं खाके की गोली, और गोरे गाल पे रंग लगाऊं बुरा न मानो होली, गोरे गाल पे रंग लगाऊं बुरा न मानो होली, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा,
कलयुग का है कैसा भैया ये अजीब सा ट्रेंड, कलयुग का है कैसा भैया ये अजीब सा ट्रेंड, और कल बोला था लव यू उसने मगर एज अ फ्रेंड। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। मुश्किल बड़ा है भैया जी महंगाई में प्यार, मुश्किल बड़ा है भैया जी महंगाई में प्यार, एक डेट के चक्कर में उड़ गए रुपए हजार। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। तो धन्यवाद, और अगली रचना सुनाता हूँ कि सुकून मिलता है मुझे तेरी हंसी ठिठोली में, सुकून मिलता है मुझे तेरी हंसी ठिठोली में, मेरी जान तेरे रंग में रंग गया मैं इस बार की होली में, मेरी जान तेरे रंग में रंग गया मैं इस बार की होली में। जब मैं तेरी गली आऊं तो बहाने मत मनाना, जब मैं तेरी गली आऊं तो बहाने मत बनाना, जो उतारे से न उतरे ऐसा रंग लगाना इस बार की होली में, जो उतारे से न उतरे ऐसा रंग लगाना इस बार की होली में। ऐ सनम मैं तुझे इस कदर चाहूँगा, ऐ सनम मैं तुझे इस कदर चाहूँगा, जो तू राधा मैं कान्हा हो जाऊँ इस बार की होली में, जो तू राधा मैं कान्हा हो जाऊँ इस बार की होली में। जिस कदर सतयुग में होलिका जली थी निमेश, जिस कदर सतयुग में होलिका जली थी निमेश, उसी तरह अपनी बुरी आदतें भी जला देना इस बार की होली में, उसी तरह अपनी बुरी आदतें भी जला देना इस बार की होली में। जो किसी की बात तुम्हारे मन को खटक रही है, जो किसी की बात तुम्हारे मन को खटक रही है, उन सबको भुलाकर सबको गले लगा लेना इस बार की होली में, सबको गले लगा लेना इस बार की होली में। और उसे रंग लगाने के चक्कर में मेरे दोस्त, उसे रंग लगाने के चक्कर में मेरे दोस्त, दो गज की दूरी मत भूल जाना इस बार की होली में, दो गज की दूरी मत भूल जाना इस बार की होली में। और आखिरी शेर है कि हिंदुओं का भगवा इस्लाम का हरा, हिंदुओं का भगवा इस्लाम का हरा और बुद्धों का सफ़ेद, हिंदुओं का भगवा इस्लाम का हरा और बुद्धों का सफ़ेद, सारे रंग मिलकर तिरंगे हो जाएं इस बार की होली में, सारे रंग मिलकर तिरंगे हो जाएं इस बार की होली में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपकी रचना है, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सुंदर रचना की है, और एक बहुत अच्छा संदेश भी आपने अपनी कविता के माध्यम से दिया है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी अपने काव्य के लिए सिमरन दिवाकर को। शुक्रिया हिमानी दीदी। मैं शुरुआत करना चाहूँगी अपनी दो पंक्तियों से जो कि मैं हमेशा रखती हूँ, कि हाँ मैं थोड़ा सा तीखा थोड़ा सा कड़वा लिखती हूँ, मैं थोड़ा सा तीखा थोड़ा सा कड़वा लिखती हूँ, आप समाज का रूप लिखिए जनाब, मैं तो समाज का आईना लिखती हूँ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल शुक्रिया। तो होली है जैसे कि, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगी इस होली के पावन अवसर पर, ब्रज की होली, कि कान्हा संग धूम मचा रही है ग्वाल बालों की टोली, काना संग धूम मचा रही है ग्वाल बालों की टोली, वृंदावन में खिल रहा है आज हर रंग, वृंदावन में खिल रहा है आज हर रंग, क्योंकि बाके बिहारी खेल रहे हैं राधे संग होली, बाके बिहारी खेल रहे हैं राधे संग होली। तो इसी में चार पंक्तियां और भी, कि कन्हैया ने मारी पिचकारी, कन्हैया ने मारी पिचकारी, रंग लाई है गोपियां सारी, कन्हैया ने मारी पिचकारी, रंग लाई है गोपियां सारी, पहले पहले कौन रंगेगा सबकी हो रही तैयारी, क्या बात, पहले पहले कौन रंगेगा सबकी हो रही तैयारी, बड़े ध्यान से बड़े गौर से, बड़े ध्यान से बड़े गौर से सुन रही सब राधा प्यारी, बड़े ध्यान से बड़े गौर से सुन रही सब राधा प्यारी, पर एक बात मुझे ये बताओ, आज डरे क्यों हैं हमारे बाके बिहारी, आज डर से भरे हुए हैं हमारे बाके बिहारी, जानते हैं शायद, जानते हैं शायद, क्योंकि बिना रंगे हर रंग चढ़ेगा, बिना रंगे हर रंग चढ़ेगा, जब क्रोध में आएंगी राधा प्यारी, जब क्रोध में आएंगी राधा प्यारी। बहुत शुक्रिया। अब मैंने ये होली पे ऐसे लिखा है कि घर के माहौल से मैंने रिलेट करते हुए लिखा है, कि सब कहते हैं कर लो मस्ती, सब कहते हैं कर लो मस्ती, होली आई सिर्फ दो दिन की होली आई, अरे पता है होली आई, अरे हमें पता है होली आई, दो दिन पहले बाहर हफ्ते पहले घर में आई, दो दिन पहले बाहर हफ्ते पहले घर में आई, मैं पूछो पूछो कैसे आई, पूछो पूछो कैसे आई, पापड़ कचरी काजू मठरी जमकर इसने मेहनत करवाई, पापड़ कचरी काजू मठरी जमकर इसने मेहनत करवाई, सब कहते हैं होली आई कर लो मस्ती होली आई। बहुत सुंदर। आगे इसी में आगे चार पंक्तियां और भी, गुंजिया ने तो शामत लगवाई,
गुंजिया ने तो शामत लगवाई जब मम्मी ने मैदा गुंदवाई। गुंजिया ने शामत लगवाई जब मम्मी ने मैदा गुंदवाई। सोचा मैंने 30 बनेगी, सोचा मैंने 30 बनेगी, मैंने खुशी से सब बनाई। सोचा मैंने 30 बनेगी, खुशी से मैंने सब बनाई। बस इसके आगे हाल ना पूछो अब ये कैसी शामत आई। बस इसके आगे हाल ना पूछो कैसी कैसी आफत आई। भरकर जब गुंजिया मैंने एक बनाई, भरकर जब मैंने गुंजिया एक बनाई। एक से ये दो बन आई, दो से कहानी चार की गई। एक से ये दो बन आई, दो से कहानी चार की आई। 30 मैंने सोचा था, मैंने सोचा था 30 बनेगी, पर देखो ये 60 बनाई, पर देखो ये 60 बनाई। अब जाना मैंने इसकी लीला भाई, गणित होली ने ही इसने असली गणित सिखाई। होली ने ही इसकी असली गणित सिखाई, स्क्वायर क्यूब अब समझ में आई। स्क्वायर क्यूब अब समझ में आई। बहुत सुंदर। कि ध्यान से सुनो मत खेलो होली, ध्यान से सुनो मत खेलो होली, अरे ज़्यादा मत खेलो होली। ध्यान से सुनो मत खेलो होली, अरे ज़्यादा मत खेलो होली, जब तक कोई तुम्हारे दोस्तों को ये ना कह दे कि कहाँ जा रही है भूतों की टोली। क्या बात है, बढ़िया। कि राधा ने मारी पिचकारी, रंग गई है मथुरा सारी। राधा ने मारी पिचकारी, रंग गई है मथुरा सारी। सबसे अद्भुत सबसे प्यारी बरसाना की होली न्यारी। सबसे अद्भुत सबसे प्यारी बरसाना की होली न्यारी। वृंदावन की गजब छटा है, वृंदावन की गजब छटा है, रंग लाए जब बाके बिहारी। वृंदावन की गजब छटा है जब रंग लाए बाके बिहारी। प्रेम रंग में रंगी हुई है आज वृंदावन मथुरा सारी। प्रेम रंग में रंगी हुई है आज मथुरा वृंदावन सारी। और लास्ट पंक्तियाँ, अलग रंग निखर के आएंगे जब ये एक रंग बन जाएंगे। अलग रंग निखर कर आएंगे जब ये एक रंग बन जाएंगे। यमुना तट पर बाके बिहारी जब राधा को रंग लगाएंगे। यमुना तट पर बाके बिहारी जब राधा को रंग लगाएंगे। जब राधा को रंग लगाएंगे तो चहु और प्रेम के रंग यूं खिल जाएंगे। जब राधा को रंग लगाएंगे चहु और प्रेम रंग यूं खिल जाएंगे। जब कोई पूछे तुमसे क्या है होली तो हम मिलकर उन्हें बताएंगे। जब कोई तुमसे पूछे कि क्या है होली, इसमें आगे मेरा मैसेज कि जब कोई तुमसे पूछे क्या है होली हम उनको मिलकर बताएंगे। रंगों की पावन खुशबू से प्रेम रंगों की पवित्र डोर से। रंगों की पावन खुशबू से प्रेम रंगों की पवित्र डोर से। बिना किसी से बैर लगाए बिना किसी को दुख पहुँचाए। बिना किसी से बैर लगाए बिना किसी को दुख पहुँचाए। बिना नशे जब तुम इसे मनाए, बिना नशे जब इसे मनाए, मिलकर एक दूसरे को रंग लगाए, तब जाकर होली कहलाए, तब जाकर होली। बहुत प्यारा, बहुत शुक्रिया। वाकई में आपकी रचना ने हमें हमारे बचपन की याद दिला दी। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी खूबसूरत रचना के लिए हमारे बीच में रखने के लिए। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपने काव्य पाठ के लिए सोमेश बहुगुणा जी को। धन्यवाद हिमानी। और मैं सबसे पहले आप सभी दर्शकों को होली के इस महापर्व की अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बंधुओं, ये होली का पर्व है और कहा जाता है, भारतीय मनीषा की ये मान्यता है कि होली का पर्व अंतस में बसने वाली सभी वासनाओं का निर्वाह करके नई उमंग के साथ मनाने का त्यौहार है। जी बिल्कुल। और आसपास के लोगों को गले लगा करके इस त्यौहार को मनाने का ये पर्व है। कहीं कान्हा की बंसी पर मचलता मन ये राधा हो। कहीं कान्हा की बंसी पर मचलता मन ये राधा हो। है होली पर्व रंगों का बहकता तन नाधा हो। है होली पर्व रंगों का बहकता तन नाधा हो। है छाया रंग बासंती अली को किल व फूलों पर। है छाया रंग बासंती अली को किल व फूलों पर। मिले हम तुम गले यूं ही कहीं कोई न बाधा हो। मिले हम तुम गले यूं ही कहीं कोई न बाधा हो। और जब भी बंशी की बात आती है और होली के पर्व की बात आती है तो बरसाने की होली इस पूरे देश में सबसे विशेष तौर पर मानी जाती है। हम अक्सर चर्चाएं करते हैं तो बरसाने की होली की बड़ी चर्चा होती है। इसी प्रसंग को लेकर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के बीच की होली का मैं कुछ आपके सामने दो अलग अलग छंदों में, एक घनाक्षरी छंद में एक सवैया छंद में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। आज बरसाने में होली का पर्व है तो बरसाने में होली का पर्व है तो राधा रानी
श्री कृष्ण के साथ होली मनाने के लिए निकली है, तो बंशी की तान का गान सुनी, बंशी की तान का गान सुनी, वृषभान लली मुस्काने लगी, और छोड़ के काज समाज सभी जमुना तट पर जब जाने लगी, और हेरी थकी तट वो जमुना को बैठ के फिर मुरझाने लगी, और चित चोर चकोर का ध्यान करी ही अमे पिया को फिर पाने लगी। चित चोर चकोर का ध्यान करी ही अमे पिया को फिर पाने लगी। और विशेष तौर पर जिस छंद को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, यह छंद कि आज ब्रिज में है होरी भाई कुछ ऐसी जैसी भूत ना भविष्य में ही कोई आसार थे, और नंद को वो लाल बन गोपन को ग्वाल हाथ रंग को लिए वो आज गाल रंगने लगे, और संग पिचकारी और रस की छरारी लेके नैनों की कटारी से तर करने लगे, और देख वृषभान की दुलारी मन हारी वो तो सुबह शाम कृष्ण मुरारी रटने लगी। देख वृषभान की दुलारी मन हारी वो तो सुबह शाम कृष्ण मुरारी रटने लगी। अभी कान्हा की होली के बारे में हमने पर्याप्त चर्चा की। ये होली का पर्व उल्लास का पर्व है, और उल्लास के लिए श्री राम का नाम यदि ना लिया जाए तो वह अपने आप में अधूरा होता जी, है। जी बिल्कुल। तो मैं बरसाने से आपको अयोध्या की होली की ओर ले जाता हूँ। अयोध्या से क्या संदेश आपके लिए आया है, आपके जीवन में इस कोरोना की विपत्ति से निकल करके संभावनाओं के शिखर पर पहुंचने के लिए क्या संभावनाएं, क्या उपदेश श्री राम की ओर से आपको आया है, वो आपको सुनाना चाहता हूँ। कि वर्षों जब संताप सहे तब दिए सभी ने जलाए थे, अधिकारों को छोड़ गए तो स्वागत में सब आए थे। वर्षों जब संताप सहे तब दिए सभी ने जलाए थे, अधिकारों को छोड़ गए तो स्वागत में सब आए थे, और यूं ही राम नहीं होना है सरल सहज पथगामी, मर्यादा की तप्त भूमि पर चला भुवन का स्वामी। और देखिएगा, जीवन में छोटी छोटी विपत्तियां आती है तो हम अक्सर डर जाते हैं उन विपत्तियों से, और श्री राम की जीवन की उन विपत्तियों को देखिए कि उस निश्चल को छला उसी ने जिसकी गोद में वो खेला था। क्या बात, उस निश्चल को छला उसी ने जिसकी गोद में वो खेला था, जिसको अनुज भरत से ज्यादा उसने अपनी माँ बोला था, और जिसके वचन निभाने खातिर वन वन प्रस्तर पर सोया था। मत पूछो वो राम अकेला वन में कितना कब रोया था, और जीवन में छोटी छोटी उपलब्धियों पर इतराने वाले लोग जरा इस बात पर जरूर विचार करें कि श्री राम के पास कितनी संभावनाएं थी, और उसके बाद वो मानव कितना सरल है, कितना सहज है। कि देखिएगा कि जिसके कर कौतुक के आगे अम्बुदी पथ का देता न्योता, जिसकी वामा बनी परांबा शेष भेष भाई हो छोटा, फिर भी सरल सहज मानव वो पुरुषोत्तम श्री राम ही होता, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद एक बार पुनः आपको होली के इस महापर्व की अनंत अशेष शुभकामनाएं, धन्यवाद। अच्छा दोस्तों, आप सबकी रचनाएं, हम सबने अपनी अपनी रचनाएं तो रख दी, अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी जो आज की संचालिका है, प्यारी सी संचालिका, कि वो अपनी खूबसूरत जो कविताएं लिखती हैं, बेहतरीन शब्दों का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, वो उनकी कविता आपको उससे परिचय करवाएंगी। तो मैं बुलाना चाहूंगी हिमानी बिष्ट को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका खुशबू, और मुझे तो लगता है शायद आपके सामने मेरी कविता जो है फीकी पड़ जाए, लेकिन जो मैंने लिखा है मैं आपको वो सुनाना चाहूंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो रंग होता है उसका जो सबसे प्रमुख रूप होता है वो किसका होता है, प्रेम का। और जो राधा कृष्ण के बिना तो ये होली बिल्कुल ही अधूरी होती है, क्योंकि उनका जो रंग होता है, और सबसे खूबसूरत जो होली होती है वो वृंदावन की होली होती है। तो मैं उसी इश्क के रंग की, उस प्रेम रंग की बात करना चाहूंगी। तो सुनिएगा कि थक चुकी यो सांवरे मैं तेरी प्रीत की तलब में, थक चुकी यो सांवरे मैं तेरी प्रीत की तलब में, अब तो आकर प्रीत दिखा जा, रंग जाऊं तेरे रंग में। थक चुकी यो सांवरे मैं तेरी प्रीत की तलब में, अब तो आकर प्रीत दिखा जा, रंग जाऊं तेरे रंग में, रास लीला ऐसी रचियो ना हो जैसी कोई जग में,
रासलीला ऐसी रचियो ना हो जैसी कोई जग में, बसा चुकी तेरी तेरी सूरत को अपनी दिल की हर धड़कन में। अब तो आकर प्रीत दिखा जा, रंग जाऊं तेरे रंग में। अब तो आकर प्रीत दिखा जा, रंग जाऊं तेरे रंग में। तो दर्शकों, होली पर्व पर आयोजित इस काव्य गोष्ठी में हमारे साथ जुड़े थे बहुत ही उम्दा और युवा कलाकार, जिन्होंने हम सभी के सम्मुख अपनी काव्य प्रस्तुतियां रखी। उम्मीद करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के कार्यक्रम लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।